हरे कृष्णा। भगवत गीता की ऑडियो नंबर 35 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय। इस ऑडियो में हम पहले अध्याय के 10वें, 11वें, 12वें और 13वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पहले संस्कृत में श्लोकों को मैं दोहराऊंगा, फिर सरलार्थ जो श्री प्रभुपाद जी ने दिया उसको हम पढ़ेंगे। अप्रयाप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं प्रयाप्तं तु इदं एतेषां बलं भीम अभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मं एव अभिरक्षन्तु भवन्ते सर्वे एव हि तस्य सज्जनयन् हर्षम् कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्धे उच्चये शंखं दद्मौ प्रतापवान् तच्छंखा च भैर्ये च अणवानको मुखा सहसा एव अभ्यन्त्यन्ते सैशब तुमल अभवत्। श्री प्रभुपाद जी ने इसका सरलार दिया है कि दुर्योधन ये बोल रहे हैं कि हमारी जो शक्ति है वो अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि जो पांडवों की शक्ति है वो भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। कहीं ना कहीं वो एक कंपैरेटिव व्यू दे रहा है कि भाई वी आर मोर पावरफुल, हमारे पास भीष्म जैसे जनरल हैं जो फाइट कर रहे हैं, जो लीडर है हमारे, और उधर सामने भीम है। भीम को तो वो वैसे ही तुच्छ दिखाना चाहता है, एक तरह से डरता भी है उससे और उसको तुच्छ दिखाना भी चाहता है। फिर 11वें श्लोक में एक तरह से दुर्योधन की ही बातचीत अभी आगे कंटिन्यू कर रही है। अतः सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब वो एक तरह से भीष्म पितामह को फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे जनरल्स को भी एक तरह से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सब भीष्म पितामह को सपोर्ट करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो फाइट करने में बिजी हो जाएं और कोई एक कोना खाली छूट जाए। फिर 12वें श्लोक में ये बात आ रही है कि तब कुरु वंश के व्योवृत प्रथम प्रतापी पितामह ने, वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। यानी एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जब ये बात दुर्योधन ने कही कि भी चारों तरफ से आप भीष्म को प्रोटेक्ट करो, तो दुर्योधन को खुश करने के लिए या अदरवाइज वॉर की स्टार्ट के एंगल से शंख बजाने का जो प्रचलन था, तो एक यहाँ पर दिया गया है सिंह सी गर्जना करके जो है भीष्म पितामह ने वो शंख जो है वो बजाया। और इस ऑडियो का लास्ट श्लोक 13 उसमें ये बताया गया कि तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह वगैरह सहसा एक साथ बज उठे और उसका एक बहुत ही अत्यंत कोलापूर्ण स्वर हुआ। तो अभी तक जो हमने पिछले श्लोक पढ़े थे, अगर हम उन पर निगाह डालें, तो सबसे पहले उसने चौथे, पांचवें और छठे में पांडवों के मुख्य योद्धाओं के नाम लिए, फिर कहा मैं अपने के बताता हूँ, सातवें में ये भूलकर, आठवें में अपने मुख्य योद्धाओं के नाम लिए, और 9th श्लोक में दुर्योधन ने बोला कि ये वीर मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। अब उसके बाद उसने ये कहा कि 10वें में कि हमारी जो शक्ति है वो भीष्म द्वारा संरक्षित है, तो इसलिए वो बेटर है, हायर साइड पर है एज कम्पेयर टू द पांडवा साइड जो कि भीम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर उसने सबको इंस्ट्रक्शन दी कि भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट करो, फिर भीष्म पितामह ने शंख बजाया और उसके बाद बाकी सब लोगों ने भी अपने अपने जिसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बजाए। अब यहां जो गौर करने की बात है वो ये है कि दुर्योधन इतनी देर से बोल रहा है और ना तो भीष्म पितामह ने एक शब्द बोला, ना द्रोणाचार्य ने एक शब्द बोला। भीष्म पितामह ने तो फिर भी, क्योंकि वो उसका कुटुंबी था और कहीं ना कहीं स्नेह तो होता ही है, भी चलो रिश्तेदार था, तो उसको खुश करने के लिए अपना शंख तो बजाया। द्रोणाचार्य के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, जबकि उसने जाके द्रोणाचार्य से ही सबसे पहले बातचीत शुरू की, लेकिन वो बोल रहा है और उसको कोई जवाब नहीं दे रहे। ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी को लाइक नहीं करते, मजबूरी में कुछ कर रहे होते हैं, तो वो बोलता है बोलने दे, तो वैसी सी स्थिति हुई है। अब हम इसके अंदर एक और डिस्कशन करेंगे जो हमें सीखने वाली कुछ बातें निकल के आएंगी। सीखने वाली बात यह है कि दुर्योधन और युधिष्ठिर, ऐसा मेंशनड है कि दोनों आचार्य के पास जाते हैं, युधिष्ठिर भी जाते हैं, लेकिन उनकी दोनों की विधि में बहुत अंतर है। दुर्योधन जो है वो राजा की वेशभूमा में
वेशभूषा में आचार्य के पास जाते हैं, जबकि युधिष्ठिर राजा के सभी चिन्हों को त्याग कर आचार्य के पास जाते हैं। ऐसा मेंशन्ड है कि महाराज युधिष्ठिर भी द्रोणाचार्य के पास गए थे, लेकिन अपने राजा वाले सारे चिन्ह हटा के गए थे। तो यहां से हमें ये सीखना चाहिए महाराज युधिष्ठिर के जो आचरण है उससे, कि अगर हम अपने गुरु से मिलने जाएं, हम अपने माता पिता से मिलने जाएं, किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने जाएं, तो अपनी अकड़ को छोड़ के जाएं, है ना, या इस तरह के कोई महंगे वस्त्र या मतलब उनके सामने हम ये शो ना करें हाथ में मर्सिडीज की चाबी लेकर या बहुत महंगा सा मोबाइल लेकर। अगर है तो है, मतलब शो करने की कोशिश ना करें। अपने गुरु को हम ये दिखाने की कोशिश ना करें कि आप मुझ पर कृपा करोगे, वो तो चलो है, मैं भी आप पर कृपा कर सकता हूं थोड़ा धन देकर या आपको कोई परमिशन दिलवाकर। जब भी हम गुरु के पास जाएं, विनीत भाव से जाएं, अपनी अपनी बड़ाई गुरु के सामने ना करें, अपनी प्रॉपर्टीज को ना गिनाएं, अपनी एसेट्स को ना गिनाएं, अपनी पावर को ना गिनाएं। मोस्ट पावरफुल गुरु ही होता है, तो उसके सामने हम तुच्छ भाव में जाएं। दूसरी बात, दुर्योधन युद्ध का आदेश देने के लिए आचार्य के पास गया, जबकि युधिष्ठिर युद्ध का आदेश पाने के लिए आचार्य के पास गए। यहां से भी हमें सीखना है कि गुरु से डील कैसे करना है। कई बार हमारे मन में जो बात होती है, क्योंकि ऐसा होगा ही कि कोई भी, जैसे माना मंदिर है, मंदिर में एक गुरुजी होंगे और जो अमीर शिष्य होते हैं वो कई बार गुरु को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो हो मंदिर में जो वो चाहते हैं, बजाय इसके कि वो हो जो गुरु चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है धन तो मैं इकट्ठा कर रहा हूं, ताकत तो मेरे पास है, जनता मेरे पास है, तो कई बार वो गुरु को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पर फिर वो दुर्योधन वाली प्रवृत्ति हो जाएगी। तीसरी बात, दुर्योधन के अंदर आचार्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने की भावना थी। उसको लगता था कि भाई ये जो गुरु हैं ये मेरे यहीं पलते हैं, तो जो मैं चाहूंगा जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही करें। वही हो गया एक तरह से, दूसरा तीसरा पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। जबकि युधिष्ठिर के अंदर आचार्य की सेवा करने की भावना थी। तो हमारे हमको भी यही सीखना है भगवद गीता को पढ़ के, कि हमें अपने गुरु की सेवा करनी है, उन पर अधिकार नहीं जमाना है, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करना, उनको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एसेट्स, अपनी काबिलियत नहीं झाड़नी है। गुरु से हमें ग्रहण करना है, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।